जल संकट राजधानी दिल्ली में इस समय बना हुआ है और जल संकट के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव हुआ, पथराव से ऑफिस के शीशे टूटे हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव हुआ है और पथराव से ऑफिस के शीशे भी टूटे हैं। छत्रपुर में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है और ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। अब जल संकट जो गहराया हुआ है उसने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि लोग अब इस घटना को अंजाम देने पर आतुर हो गए हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव हो गया और ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरीके से पथराव के बाद यहां पर ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई। छत्रपुर में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। हम लोग एक कच्ची कॉलोनी में रहते हैं और कच्ची कॉलोनी में माननीय केजरीवाल को इसलिए लेके आए थे कि उन्होंने कहा था कि हर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे, मगर जब हमने देखा कि हमने वोट भी दे दिया, तीन तीन बार सरकार बना दी, हमारे यहाँ आए भी जाकर देख लिए पानी की लेंथ तक नहीं बिछी हुई, ट्यूबवेल थे वो खराब हुए पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं। हम विधायक के जाते हैं, विधायक जी मिलते नहीं हैं, विधायक के यहाँ जो लड़के खड़े होते हैं वो कह देते हैं भाई यहाँ पर नहीं है, आप जाइए, आप पानी के लिए कहाँ जाएँ, यहाँ पर आते हैं पानी के एप्लीकेशन लिखवाते हैं, चार चार छः छः दिन में एक टैंकर पानी जाता है पूरे पूरे ब्लॉक के अंदर, हमें मात्र 500 लीटर या 200 लीटर पानी मिलता है। कई जगह तो पानी वाले भी हमसे पैसे मांगते हैं, एक ड्रम भरवाते हैं पूरा उसका 100 रुपये लेते हैं, हम कहाँ से लाएँ गरीब लोग, हम लोग कहाँ से व्यवस्था। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमित त्यागी, राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव लोगों ने किया, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो जल संकट है वो पिछले 15 दिनों से लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की काफ़ी समस्या हो रही है, जिसको लेकर आज बीजेपी की तरफ से तकरीबन 17 जगहों पर दिल्ली के अंदर अलग अलग तरीके से का प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। छतरपुर में अगर हम बात करें तो रमेश भिदौड़ी के नेतृत्व में एक जो प्रोटेस्ट था वह किया जा रहा था, हालाँकि उसी दौरान हमने देखा कि कुछ महिलाओं ने छतरपुर में जो दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर था उस पर जो है अटैक किया, पथराव किया, जिसमें वहाँ पर कांच के शीशे जो वो पूरी तरीके से टूट गए। हालांकि उसके कुछ ही देर के बाद दिल्ली सरकार के जो यूडी मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ जहाँ पर दिल्ली के पाइपलाइन को जो है वो लीकेज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के जल बोर्ड के दफ्तर पर ही जो बीजेपी के नेता हैं और कार्यकर्ता है वो बीजेपी के नारे लगाते हुए हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति जो है वो दिल्ली में ज़रूर हो रही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या से इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उधर से दिल्ली की तरफ कोई अतिरिक्त पानी छोड़ा नहीं गया। अभी भी आज के अगर मौजूदा दौर की बात करें तो वजीराबाद के यमुना पौंड पर जो वाटर लेवल है वो 674 फीट होना चाहिए, लेकिन आज की डेट की बात करें तो यमुना का वाटर लेवल 668 जो मीटर है वो पहुंचा हुआ है। इसीलिए जो दिल्ली के तीन बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ से वजीराबाद से ही पानी जाता है, उन तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पूरा नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से लोगों को घर में पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल नमित त्यागी, देखिए अभी गर्मी के दिन अभी बेहद बाकी हैं क्योंकि मानसून आने में भी अभी कम से कम 20 से 25 दिन का समय बचा है, लेकिन उससे पहले अगर राजधानी दिल्ली में ये संकट इसी तरीके से अगर बरकरार रहा तो राजधानी दिल्ली में दिल्लीवासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और शासन प्रशासन की मुश्किलें भी समानांतर बढ़ रही हैं। नमित, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चाहे बरसात के मौसम की बात करें उस समय दिल्ली के अंदर जो है बाढ़ के खतरे को लेकर संकट बन रहा था और अब जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो पानी की डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली के अंदर जो पानी का उत्पादन है वो 1005 MGD होता है नॉर्मल अगर हम बात करें, लेकिन 15 तारीख की बात करें यानी कि 15 जून कल की बात करें तो दिल्ली के अंदर 932 MGD पानी का उत्पादन हुआ है, यानी कि तकरीबन 70 MGD कम पानी का उत्पादन दिल्ली इस वक्त कर रही है, जिस वजह से लोगों को पानी का जो संकट है झेलना पड़ रहा है। हालांकि कल हमने देखा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जो है एक अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें दिल्ली के अंदर जो पानी के दिल्ली के जल बोर्ड के पानी के टैंकरों की संख्या है उसको बढ़ाया गया और अब जो है दिल्ली के अंदर 10,000 जो चक्कर है वो पानी के टैंकर लगाएंगे इधर से उधर ताकि लोगों को पानी की किल्लत ना हो। दूसरा अगर हम बात करें पानी की जो पाइपलाइन की लीकेज की बातें सामने आ रही थी उसको लेकर कल जो है दिल्ली की साउथ दिल्ली के इलाके में जो बड़ी पानी की मेन पाइपलाइन है उसमें जो
है उसमें चोरी की खबर जो है वो सामने आई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि उसके 6 बोल्ट को तोड़कर जो है पानी की पाइपलाइन में छेद किया गया जिससे पानी की बर्बादी हो। उसके बाद तकरीबन 6 घंटे तक उस पाइपलाइन को ठीक करने में लगा और सीधे तौर पर दिल्ली की जल मंत्री का ये एक आरोप है कि बीजेपी साजिश के तहत जो है इस तरीके से पाइपलाइन में लीकेज करा रही है। हालांकि अभी कुछ देर के बाद 4 बजे दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। निश्चित तौर पर वो पानी के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी। और आज सुबह हमने देखा कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने उनके घर पर भी पहुंचे थे। बिल्कुल अमित त्यागी, देखिए ये समय जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके जल संकट जो है वो गहराया हुआ है, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए दिल्ली शासन प्रशासन को किस तरीके से इस पानी की समस्या को हल किया जाए। हर सीजन में देखने को मिलता है अमित, गर्मी के दिनों में राजधानी दिल्ली में पानी का संकट गहराता है, लोग परेशान होते, अपने खाली बर्तन उठाकर इधर से उधर टैंकरों के पीछे भागने को मजबूर होते। एक बार फिर से प्रशासन के सारे दावे खोखले नजर आ रहे। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के लिए अगर इन 3 महीनों की बात करें, मई जून जुलाई, इन 3 महीनों में हर साल का ये रोना है, जब भी तापमान बढ़ता है तो दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती है। ऐसे में दिल्ली के लिए पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कोई लॉन्ग टाइम प्लान की जो जरूरत है वो जरूर है, लेकिन अभी वो लॉन्ग टाइम प्लान जो है वो नहीं बना है। हालांकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया था, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार हिमाचल और हरियाणा से पानी की गुहार लगा रही थी, लेकिन हिमाचल ने फिलहाल पानी देने से मना किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो गेंद थी वो अपर यमुना बोर्ड के पाले में डाल दी थी। यानी कि अब जो भी फैसला और आदेश देना है वो अपर यमुना बोर्ड को देना है। हालांकि कल जो आतिशी हैं दिल्ली की जल मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू से बातचीत हुई है और सुक्कू का ये कहना है कि हम जल्दी ही अपर यमुना बोर्ड को जो जरूरी कागजात। रोकना चाहूंगा इस समय, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीधे दर्शकों की टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, ये बात उन्होंने लिखी है। देखिए, सरकारी संपत्ति को तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, जगह जगह पानी की पाइपलाइन कौन तुड़वा रहा है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कटघरे में खड़ा करते नजर आए सौरभ भारद्वाज कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति भी गर्माई हुई है, सियासी संग्राम पूरे तरीके से छिड़ा हुआ। तो दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, ये बात सौरभ भारद्वाज ने लिखी है अपने इस पोस्ट में जो एक्स पर किया गया। तो एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो वहीं राजनेता अभी भी राजनीति करने से, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखने से चूक नहीं रहे। नमित त्यागी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। नमित त्यागी, देखिए ये पोस्ट किया गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए, कहां तक वाजिब लगता है आपको ये कि इस तरीके की पोस्ट करने से अच्छा अगर कुछ ऐसा लिखें कि जिससे दिल्ली वासियों को कुछ राहत हो सके कि कब से कब इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस समय चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों को राजनीति छोड़कर बल्कि दिल्ली की जनता के बारे में सोचना पड़ेगा और दिल्ली की उस जनता के बारे में जो जनता जो है इनको चुनाव में जीतकर जो है लोकसभा में भेजती है और दिल्ली विधानसभा में भेजती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर क्या आने वाले समय में दिल्ली के अंदर जल संकट दूर होगा या नहीं। हालांकि अभी जैसे जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि जो छतरपुर में जल बोर्ड के ऊपर पथराव किया गया है, उस पूरे मामले में जो सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पर ये सब हुआ है, ये अटैक किया जा रहा है। क्योंकि आप विजुअल में देखिए बसंत के, जब ये हमला किया जा रहा था, जो महिलाएं थी, जो घड़ा होता है मिट्टी का, वो जल बोर्ड के दफ्तर में कांच के शीशे पर मार रही हैं, उस वक्त वहां पर कुछ शख्स खड़े हैं और उनके गले में बीजेपी का पट्टा डला हुआ है, यानी कि वो प्रोटेस्ट बीजेपी का था और उसी में ये अटैक हुआ है। तो निश्चित तौर पर कई सवाल जो है वो इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आप प्रदर्शन कीजिए, ठीक है आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते हैं, ये एक तरीके से इलीगल है। दूसरा, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कल हिमाचल के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है आतिशी की, उन्होंने कहा है कि हम जरूरी कागजात जो है वो जल्दी ही अपर यमुना बोर्ड को सौंपेंगे, लेकिन आतिशी ने कहा है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा होगा तब तक के लिए हरियाणा सरकार से हमारी गुहार है कि जब तक थोड़ा पानी जो है वो दिल्ली की तरफ छोड़ा जाए। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप लेना होगा, केंद्र सरकार को ये सोचना होगा। कल से अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और जहां पर
पर काफी कम पानी आ रहा है, वहां पर जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है, यानी कि 10,000 जो दिल्ली के टैंकर हैं वो 10,000 एक्स्ट्रा फेरे जो हैं वो दिल्ली की कॉलोनियों में लगाएंगे, जिससे जहां पर एक कॉलोनी में सपोज कीजिए कि आप 1 से 2 टैंकर आ रहे थे, अब वहीं पर ही 3 से 4 टैंकर जा रहे हैं, जिससे थोड़ी राहत जो है वो लोगों को जरूर मिलने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।